देखिए, आपका जो न्यू टॉपिक है वो है हाइपरबोला, और इतना मैं बता दूं कि अब आपके हर वीक देखो टेस्ट तो कंटिन्यू रहेंगे ही, क्योंकि क्या है आपका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है और 12 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस हिसाब से हमारा सिलेबस काफी अच्छी सिचुएशन में है, क्योंकि इसके बाद 13 चैप्टर बचता है जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। बाकी कुछ जो है हमारे पास जो है रिवीजन के लिए हम लोग आपके टेस्ट लेते चलेंगे, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल, लिमिट्स भी है 13 चैप्टर, 13 चैप्टर भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, स्टैट्स भी है, तो ये हमारे पास है। टर्म 2 है आप लोगों के, कहाँ तक आ रहा है थोड़ा आइडिया देंगे बच्चे? जिनके भी एग्जाम है वो अपना बताएं जरा कहाँ कहाँ तक आ रहा है। वैसे मुझे लगता है जितना हमने करा हुआ है काफी है। गुड इवनिंग हर्ष बेटा, प्रोबेबिलिटी रहता है, प्रोबेबिलिटी भी रहता है, स्टेट्स भी रहता है बच्चे, और 13 चैप्टर भी रहता है। ठीक है लक्ष्य, सो लेट्स स्टार्ट। 32 बच्चे कौन कौन आ गए? विशाल देवल दिखाई दे रहे हैं, यश वर्मा भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहला 20 है करते हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम आगे कैसे जाएंगे। सो व्हाट इज हाइपरबोला? हाइपरबोला में बच्चों क्या होता है, इलिप्स में आपको पता था कि आपके पास दो फोकस होते थे, ठीक है, दो फोकस होते थे हमारे पास, या देखिए एक फोकस दूसरा फोकस, और अगर हम इसमें देखें कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, जैसे हमने ये पॉइंट लिया, अब आपके पास में ये जो डिस्टेंस है आपकी, अब इस P3 से दोनों फोकस की डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, और कोई पॉइंट लिया किसी और पॉइंट से दोनों फोकस की डिस्टेंसेस का डिफरेंस, एक और पॉइंट लिया तो दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस, एक और पॉइंट लिया तो दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। और ये बात आप यहाँ देख भी सकते हैं कि दोनों फोकस से किसी भी पॉइंट, सेकेंड वाले में P2 से दोनों फोकाई के डिस्टेंसेस का डिफरेंस, P3 से लो चाहे P1 से ले आए किसी और से लो, ये हमेशा फिक्स आएगा, और ये आपका इक्वल टू 2A होता है। क्या ये बात समझ में आई कि आखिरकार क्या होता है हमारा हाइपरबोला में? तो इलिप्स में क्या होता था, दोनों का सम सेम होता था, और हाइपरबोला में दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। सर पैराबोला और हाइपरबोला में डिफरेंस क्या होता है? बेटे पैराबोला में क्या होता था कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस सेम होती थी, ये होता था पैराबोला में। यहां पर क्या बताया हमने आपको कि हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट लोगे तो दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस सेम होता है। ये मैंने एक चीज और भी सिखाई थी आपको, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि देखो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, ये सर्कल है ठीक है जी, और सर्कल में ये हमारे पास छोटा सा पार्ट बचा है, याद आ गया होगा बच्चों। फिर मैंने बनाया था एक इलिप्स, ठीक है, और इस इलिप्स में का ये छोटा सा पार्ट है, अब एक बार बताओ कि क्या आपको ये आइडिया लग रहा है कि ये सर्कल का पार्ट है या ये इलिप्स का पार्ट है? अगर सिर्फ इतना बना हुआ होगा तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं लगेगा? गुड, नहीं लगेगा। लेकिन इनकी इक्वेशन, इस पर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे
आप देखो ये सर्कल के पॉइंट्स है सारे के सारे। तो जब सर्कल के पॉइंट्स आप लेंगे, जब आप सर्कल के पॉइंट्स लेंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जब इलिप्स के लेंगे तो वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आर्क नहीं है, ये आर्क नहीं है, ठीक है। सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है, बस उसे आर्क कह सकते हो आप, बट आप ये कहोगे कि ये पार्ट है, सेक्शन है बस। तो जिसकी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये वो है। तो शेप डिसाइड नहीं कर रही, ये छोटा सा पार्ट देखने से आप डिसाइड नहीं करोगे, वो इक्वेशन। और इक्वेशन किस बात से आती है कि किस कंडीशन के बेस पर ये बनाए गए हैं। तो हाइपरबोला की कंडीशन क्या है कि हाइपरबोला का हर एक पॉइंट फोकाई से जो डिस्टेंसेस हैं उनके डिफरेंस इक्वल आते हैं। फोकाई से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है। इलिप्स में फोकाई से डिस्टेंसेस का सम इक्वल आता है। तो अगर सम ऑफ डिस्टेंसेस बोला जाए तो समझ जाओ बात इलिप्स की हो रही है, अगर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस बोला जाए तो बात आपकी इलिप्स की हो रही है। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी बताएंगे जरा, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखो अगर मैं इलिप्स बनाता हूं, इलिप्स बन गया, बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं, और एक हमने बनाया हाइपरबोला, ये मैं सोचना है कि अभी पहले बन जाने दो तब डिसाइड करेंगे। हम हाइपरबोला की शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट हाइपरबोला। देखिए अब मैं ये फोकस वन, ये फोकस टू, ठीक है जी, और हाइपरबोला में फोकस वन और फोकस टू, मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं इलिप्स पर। एक पॉइंट लिया ये, एक पॉइंट लिया ये, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, 7, 8। तो बच्चों इस पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस ली और दिए, तो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने पॉइंट वन से दोनों फोकाई की डिस्टेंस ली, तो इनका सम तो पी एफ वन और पी एफ टू का सम हमेशा 2a के इक्वल आएगा। अब मैं कोई और पॉइंट भी लूंगा ना, अब भी ये इतना ही आएगा सेम। मैं और कोई पॉइंट लूंगा अब भी ये इतना ही आएगा। मैंने अब ये पॉइंट लिया फोर्थ, तब भी ये इतना ही आएगा। मैंने फिफ्थ पॉइंट लिया, अब भी ये इतना ही आएगा। लीजिए किसी भी पॉइंट से दोनों फोकाई की डिस्टेंसेस का सम इक्वल आएगा। और यहां क्या होगा, हाइपरबोला में इनका सम नहीं, इनका डिफरेंस इक्वल आएगा। कोई भी पॉइंट आप उठा लो सर, जो अब होता है क्लॉक का वो पैराबोला की शेप बनाता है रेवोल्यूशन में। बॉब बोले तो पेंडुलम की बात कर रहे हो आप? यतिन क्लियर करें, इलिप्स में सम इक्वल है और हाइपरबोला में डिफरेंस इक्वल है। यतिन वो सर्कल होता है बेटा, वो सर्कल होता है क्योंकि उसमें रेडियस होती है जो उसकी लेंथ होती है पेंडुलम की। हाइपरबोला में डिफरेंस इक्वल आते हैं। अब देखो मैं और भी कहीं लेता हूं तो डिस्टेंसेस का डिफरेंस इक्वल होता है। हाइपरबोला में डिस्टेंसेस का डिफरेंस इक्वल होता है और इलिप्स में डिस्टेंसेस का सम इक्वल होता है और वो 2a के इक्वल होता है। हाँ जी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और सर्कल क्या होता है फिर?
सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल में एक पॉइंट होता है और इससे जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं इसमें ये सब इक्वल होती हैं, जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो सर्कल में पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं। अब मुझे बस ये बता दो कि पैराबोला में क्या होता है? सुंदर सुंदर सा बना दिया हमने, नहीं? हाँ जी बताइए जल्दी जल्दी से, क्या आपको सर्कल क्या होता है ये कंफर्म है? सर्कल को लेके कोई इशू? सर्कल को लेके कोई इशू? इलिप्स को लेके, हाइपरबोला को लेके, क्या इनमें जो रंगोली तो बना दी है हमने, बट क्या इनमें आपको ये कंफर्म हो रहा है कि भाई इलिप्स आखिर का क्या होता है? आपसे कोई पूछे अगर क्लास में कि भाई इलिप्स क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि फोकस से डिस्टेंसेस का सम इक्वल रहता है इलिप्स के किसी भी पॉइंट का। ठीक है मिशिता, गुड। काव्य, मिशिता, आर्यन, बाकी सब बताओ भाई जल्दी से। और अगर कंफ्यूजन है तो किसमें है? ठीक है प्रगति, हर्षित, यतिन, हर्ष बाबू, पार्थ, ओके बिल्कुल बताएंगे, गुड पॉइंट। लेकिन नव्या ही कह रही है सर, जैसे चैप्टर 10 में आप बताते कि भाई इस चीज के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, वो बता दो, वो भी बताएंगे बच्चे अभी। लेकिन देखो डेफिनेशन की बात आती है, जैसे हाइपरबोला बता दो, हाइपरबोला में क्या होता है कि हाइपरबोला पे आप कोई भी पॉइंट लो तो दोनों फोकाई से जो डिस्टेंसेस है उनमें माइनस करो तो वो हमेशा सेम आएगा, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट से इनका डिफरेंस भी सेम आएगा, इनका डिफरेंस भी सेम आएगा, इनका डिफरेंस भी सेम आएगा। क्लियर हुई बात? और इलिप्स में उनका सम सेम आएगा। बाकी बताओ भाई जल्दी से, ये होते क्या है? अभी बात इसके बारे में चल रही है, इनके लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है वो अभी आपको बता देंगे हम। बताना ये है कि क्या आपको ये सारे क्लियर हुए या नहीं हुए? ठीक है, पैराबोला तो अभी बताया नहीं बच्चे, पैराबोला हमने रोका हुआ है। देखिए पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में एक तो चीज होती है पैराबोला और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला जब भी बनाया जाएगा डायरेक्ट्रिक्स जरूर जरूर बनाई जाएगी और फोकस इसमें भी होता है। तो पैराबोला की खूबी ये होती है बच्चों कि पैराबोला में फोकस से किसी भी पॉइंट पर जाओ, या ऐसा बोलते हैं पैराबोला के किसी भी पॉइंट से आप फोकस पे जाएं, आप फोकस पे जाएं या आप डायरेक्ट्रिक्स पे जाएं, ये दोनों इक्वल आएंगे किसी भी पॉइंट की बात कर लो, किसी भी डिस्टेंस सेम रहता है बस। आप देखो पैराबोला के पॉइंट से फोकस पे गए, डायरेक्ट्रिक्स पे गए, डायरेक्ट्रिक्स पे गए, फोकस पे गए।
ठीक है, डिस्टेंस सेम रहता है। तो देखो हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके सर्कल नहीं बना सकते, सर्कल की कंडीशन के बेस पर आप पैराबोला नहीं बना सकते। इन लाइंस, इस लाइन का जो ब्लू कलर की लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और ये जो लास्ट में जो पॉइंट है इसे हम फोकस कहते हैं। ये पैराबोला होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये फोकस होता है, ये एक्सिस होती है, ये वर्टेक्स होता है, सब बताया हुआ था। बिल्कुल, इक्वेशन डिसाइड करती है कि चीज क्या है, कंडीशन डिसाइड करती है कि कौन सा कॉनिक है। क्या चारों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? तो पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत होती है, ठीक है, और सर्कल में सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। देखिए, सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए, पैराबोला के लिए एक्सिस चाहिए और ए चाहिए, ए। इलिप्स के लिए एक्सिस चाहिए और ए भी चाहिए, और हाइपरबोला के लिए भी एक्सिस और ए भी चाहिए। हाइपरबोला और इलिप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट इक्वल है, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो बताते हैं जी इसमें क्या क्या होता है, आराम से समझो, जल्दी कोई नहीं है। डिफरेंस वर्ड की बात चल रही है, ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं दो जो फिक्स पॉइंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, फोकाई। ये फोकाई है, और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये जो मिड पॉइंट है दिस इज बोल नोन एज सेंटर। ये आपका होता है सेंटर ऑफ हाइपरबोला। किसी को सेंटर ऑफ हाइपरबोला का दिक्कत हो तो मुझे बताओ, जल्दी जल्दी से मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये होती है आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ओके। और ये होते हैं वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। देखिए ये जो है दिस इज ट्रांसवर्स और ये आपकी कॉन्जुगेट। हाँ जी, समझ में आई बात या नहीं आई? तो मैं एक बार फिर से जो है आपको ट्रांसवर्स बता देता हूं। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ऐसे नहीं बोलेंगे एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स है। जिस पे फोकस होते हैं, फोकाई होते हैं, वो ट्रांसवर्स होती है। फोकाई वाली एक्सिस को ट्रांसवर्स कहते हैं, क्योंकि हाइपरबोला तो ऐसे भी बन सकता है। ये वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला होता है। तो धरती पे दो तरह के हाइपरबोला पाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस वाले और एक वाई एक्सिस वाले, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ये एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये वाई एक्सिस वाला हो गया, तो इसमें ये ट्रांसवर्स मानी जाएगी, दूसरी कंजुगेट। इसमें वाई एक्सिस ट्रांसवर्स मानी जाएगी और दूसरी कंजुगेट। वो ओरिजिन ही होता है आपके सिलेबस में, अदरवाइज तो किसी भी ओरिजिन के होते हैं। तो अभी तो हम अपनी ही बात करेंगे बस। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो जल्दी से। अब ये देखिए कि कोई भी हाइपरबोला हमारे पास होता है,
तो ये डिस्टेंस आपकी 2a होती है, तो ये भी a होती है, ये भी a होती है, तो आपके पास ट्रांसवर्स की जो डिस्टेंस होती है, ट्रांसवर्स की जो लेंथ होती है वो 2a होती है, और कॉन्जुगेट की जो लेंथ होती है वो 2b होती है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना ये होती है बस 2b। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पे a आया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये डिस्टेंस a हो गई और जहां तक पहुंचा वो b हो गई बस। और आराम आराम से समझना भी, फोकस तक की डिस्टेंस, फोकस तक की डिस्टेंस ए ई होती है, जिसे एनसीईआरटी में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे को आराम से बताओ किसी भी बच्चे को 2A, 2B और AE में कोई दिक्कत है? आराम से बताओ, बहुत आराम से बेटा, कोई जल्दी नहीं है मुझे, मेरे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा तो मुझे बहुत परेशानी होती है। कोई भी बच्चा जो O से B तक है वो A है। अच्छा, कंजुगेट में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बताता हूँ कंजुगेट में। देखो मैं फिर से इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार, एक मिनट अभी बताते हैं बच्चे, क्लियर कर देते हैं फिर बताते हैं। ट्रांसवर्स ऑफ रिवर्स कर दो, रिवाइज कर दो। देखो आराम से देखिएगा, फॉलो करिएगा, ये हो गया सेंटर, सेंटर से गए वर्टेक्स तक, ठीक है जी, सेंटर से गए वर्टेक्स तक। और चलो मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताता हूं, आज सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये इस लाइन को माना जाता है कि ये हाइपरबोला के पास होती चली जाएगी, और पास और पास और पास, ठीक है, और ये इंफिनिटी पे जाके टच करेगी, तो हम पूरा बना नहीं सकते इसलिए दिखेगा नहीं। तो इस लाइन को बोला जाता है SM टोट्स। अब यहां से शुरुआत होती है फिर SM टोट्स से, कि आप सेंटर से चले वर्टेक्स तक, वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर डाला, तो आपके पास में एक डिस्टेंस तो आ गई है ट्रांसवर्स के पैरेलल, एक आ गई है आपकी ये वाली, तो एक तरह से ये आपके पास बन गया है, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो इस रेक्टेंगल में, इस रेक्टेंगल में ये जो है आपके पास, ये तो हो गई ए सॉरी, और ये हो जाती है आपकी बी, ए और बी, ए मतलब बोले तो ट्रांसवर्स, बी बोले तो आपकी कंजुगेट, और अगर इसे फोकस तक ले जाए तो बन जाती है ए इंटू ई। ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस समझ में नहीं आई है अभी तक, तो इसको हम और बताते हैं अभी एक बार। ये आपका फोकस, दूसरा फोकस, तो ये तो हो गई आपकी एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ये सेंटर है, सेंटर से फोकस तक जाओ तो ये सी हो गई, या जिसे ए ई कह देते हो आप, और इस एक्सिस को ये यहां से यहां तक बस इतनी सी को, सिर्फ इतनी को,
ये दिस इज ट्रांसवर्स और ये आपकी हो गई कंजुगेट। जिस एक्सिस पर हाइपरबोला होगा उस पर ट्रांसवर्स होगी, बिल्कुल। डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, भी डायरेक्ट्रिक्स पे भी आएंगे। एसिम्प्टोट बता दो। देखो वो लाइन जो हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, ये दोनों ही एसिम्प्टोट्स हैं। तो ये आपकी जो एसिम्प्टोट होती है वो इन्फिनिटी पे जो टच करे उस लाइन को बोलते हैं। सिलेबस में है नहीं है, बट अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, तो क्या होती है कंजुगेट एक्सिस, क्या होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या होता है सेंटर, क्या होती है एक्सिस, क्या होता है फोकाई, क्या होता है वर्टेक्स। एक एक करके लिखता हूं। सबसे पहली चीज है एक्सिस, क्या होती है एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। बी कहां से कहां तक होती है, मैंने बेटा कितनी बार बताया, ये है बी बस, ये इतनी सी होती है। ये जो रेक्टेंगल बनता है इसमें ये होती है बी बस, ये ए है और ये बी है, और ये परपेंडिकुलर जहां एसिम्प्टोट को कट करेगी वहां तक, इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं बी। ये बी है जहां पे एसिम्प्टोट को कट करेगी वहां तक की जो लेंथ है वो बी है। एक्सिस के बाद मैं बात करूंगा, क्या आपको सेंटर पता है। सेंटर के बाद मैं आपसे पूछूंगा एक्सिस पता चल गई, सेंटर पता चल गया, तो वर्टिसेस पता है। वर्टिसेस के बाद मैं आऊंगा कि क्या होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या होती है कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, क्या होता है फोकाई, ठीक है, क्या होती है लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, क्या होती है लेंथ ऑफ कंजुगेट, ठीक है जी। इसके बाद एसिम्प्टोट्स क्या होती है। इसके बाद मैं आऊंगा आपको डायरेक्ट डायरेक्ट्रिसेस बताएंगे, ठीक है। अब ये बताओ ये सब में जहां जहां दिक्कत है मुझे बता दो और आपसे फिर से बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं। क्या आप गिवन फिगर में एक्सिस क्या है पता चला पा रहे हैं, सेंटर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं बिल्कुल बताते हैं आपको एक एक करके। ये होते हैं वर्टिसेस ए और बी। जहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड हो रहा होता है उन दोनों एंड पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं, और ये हमेशा एक्सिस ऑफ हाइपरबोला पे होती है। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जो हाइपरबोला को टच करेगी लेकिन इन्फिनिटी पे जाके। तो ये लाइन दोनों एसिम्प्टोट्स होती है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट्रिस अभी हमने बताई नहीं, उसमें हम सबको बताएंगे एक साथ। और कोई बात हो तो बताओ, डायरेक्ट्रिक्स को छोड़ के डायरेक्ट्रिस अभी हम बताएंगे आपको। एसिम्प्टोट ओके है, लेंथ ऑफ कंजुगेट, ट्रांसवर्स, फोकाई, राइट। चलो एक्सिस क्या होती है, एक्सिस हमेशा वो चीज होती है जो उसे सिमेट्रिक, ये जो है ना जिस पे फोकस होते हैं वो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होती है। जिस पर फोकस होते हैं चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, तीनों ही केस में जिस पर फोकाई या फोकस लाई करते हैं उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ कोनिक कहते हैं।
ठीक है जी, डन है यहाँ तक। अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स का क्या है? ये होती है डायरेक्ट्रिक्स वन और ये होती है डायरेक्ट्रिक्स टू। तो डायरेक्ट्रिक्स का रोल ये होता है कि फोकस से गए हाइपरबोला पर और हाइपरबोला से गए डायरेक्ट्रिक्स पर, तो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा सेम। हाइपरबोला से चाहे डायरेक्ट्रिक्स पे चले जाओ, चाहे फोकस पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट से, डायरेक्ट्रिक्स पे गए, फोकस पे गए, डायरेक्ट्रिक्स पे गए, फोकस पे गए, ये रेशियो हमेशा सेम होता है और इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। चाहे लेफ्ट साइड की बात हो, चाहे राइट साइड की बात हो, ये रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। दोनों में से किसी भी डायरेक्ट्रिक्स पे जाए, नहीं आप ये देखिए ना, लेफ्ट साइड वाले से लेफ्ट पे जाओगे, राइट साइड वाले पे राइट पे जाओगे, इसलिए तो दो डायरेक्ट्रिक्स बनाई गई है, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए, जैसे कि इलिप्स में होती है। हाँ जी, बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को या नहीं? तो मैं अब सोच रहा हूं कि कुछ चीजें लिख देते हैं, एक एक करके। बिल्कुल तैयार करते हैं अभी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, उसके बाद इक्वेशन के बाद एक्सिस क्या है हाइपरबोला की, एक्सिस के बाद सेंटर क्या है हाइपरबोला का, इसके बाद वर्टिसेस क्या है हाइपरबोला के, देन हम कहेंगे ए और बी क्या है हाइपरबोला के, फिर हम आते हैं कि भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी क्या होती है बताया नहीं, जैसे इसेंट्रिसिटी होती है इलिप्स की, बिल्कुल वही ऐसी होती है इसके अंदर, आपकी सेम चलती है आपकी हाइपरबोला में। अभी बताएंगे इसेंट्रिसिटी पे आते तो पहले सारे लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। इक्वेशन एक्सिस सेंटर वर्टिसेस ए बी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है, व्हाट इज रूल। अब आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, क्या होती है, वन से ग्रेटर होती है इसमें। इसेंट्रिसिटी के बाद किसकी बारी आनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी के बाद आनी चाहिए फोकाई की। फोकाई क्या होते हैं, डायरेक्ट टेसिस की। डायरेक्ट टेसिस के बाद इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी, डायरेक्ट टेसिस लेटर सेक्टर में निकाल सकते हैं, बिल्कुल लेटर सेक्टर में निकालेंगे। रेक्टम की स्पेलिंग देखो, ठीक है, लेटर रेक्टम के बाद क्या बचा और क्या बचा, ठीक इतना काफी है। सबसे पहले ऊपर फिगर बना लेते हैं इसकी, इक्वेशन लिख देते हैं, एक्सिस बता देते हैं कौन सी है, सेंटर बता देते हैं, वर्टिसेस बता देते हैं, ए बी कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी, लेंथ ऑफ कंजुगेट कितनी होगी,
बोलते रहो बेटा, बोलते रहो। एसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी, फोकाई कैसे कोऑर्डिनेट पता लगाए जाएंगे, डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन क्या होगी, लेटर सेक्टम आपकी कैसे फाइंड होगी, ट्रांसवर्स आएगा। हाँ स्पेलिंग गलत हो गई ट्रांसवर्स की में, ठीक है कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपके पास दो तरह के हाइपरबोला है, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस वाला हो गया और ये आपका वाई एक्सिस वाला हो गया, डन। इक्वेशन जो होती है एक्स एक्सिस वाले की वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर पहले आएगा एक्स एक्सिस वाले में, और वाई एक्सिस वाले में वाई स्क्वायर पहले आएगा। तो जो पॉजिटिव होता है, देख लो यहाँ पे वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस वाला बन जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस वाला बन जाएगा। एक्सिस इसकी है एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस है वाई एक्सिस, सेंटर दोनों ही कंडीशन में जीरो जीरो होगा, दोनों ही कंडीशन में आपका जीरो जीरो हो जाएगा। वर्टिसेस देखो, जब एक्स एक्सिस वाले की बात चल रही होती है तो प्लस माइनस ए जीरो होते हैं, जब वाई एक्सिस की बात होती है तो आपका वर्टेक्स वर्टिसेस वाई एक्सिस पर पहुंच जाते हैं। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो ए स्क्वायर है और जो नेगेटिव है वो आपका बी स्क्वायर है। यहाँ पे भी देखो, पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर और नेगेटिव वाला बी स्क्वायर होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स हमेशा ही 2a रखेंगे हम, यहाँ पर हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी के बेस पर नहीं अपने अकॉर्डिंग करिएगा क्वेश्चंस को। और बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इलिप्स में ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस होता था, इसमें ए स्क्वायर ई स्क्वायर पहले आ जाएगा। इलिप्स में ए स्क्वायर पहले आता है, इसमें ए स्क्वायर ई स्क्वायर पहले आता है। और याद रखिएगा कि इसेंट्रिसिटी हमेशा वन से ज्यादा ही आनी चाहिए। फोकाई आपके जब एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर ही आएंगे इलिप्स हाइपरबोला के अकॉर्डिंग, और जब वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला है तो फुकाई आपके वाई एक्सिस पर आएंगे। जब एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन, जब वाई एक्सिस वाला है तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। लेटर सेक्टम पुराना ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 2b² अपॉन ए इन ईच केस। मैं यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान लेना चाहूंगा कि डायरेक्ट्रिक्स देख रहे हो आपकी यहां होती है, इसमें यहां होती है, थोड़ा नीचे बननी चाहिए बीच में, हाँ जी। ई वन से बड़ी होगी डेफिनेटली, हर हर क्वेश्चन में ई वन से बड़ी ही होगी। हाँ जी, टेबल आप देखिए सही बन गई है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दिया जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो इस टेबल में अभी मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए, तो आपको हम क्लियर कर देंगे। नोट कर लिए बेटा, गुड। हाँ वाई एक्सिस वाले बताओ क्या दिक्कत है बच्चे,
उसमें वाई स्क्वायर पहले आ जाता है बस। देखो इसमें क्या है, वैसे एक्स एक्स क्यों नहीं लेते, इसमें हम बता रहे हैं ना बच्चे, जब वाई एक्सिस वाला होता है तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, जब एक्स एक्सिस वाला होता है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो जो इनकी इक्वेशन है उसी में तो चेंज आएगा बच्चे। बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। जो पॉजिटिव है वही एक्सिस है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस वाला, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर वाला। एक चीज और भी होती है इसमें, मैंने ये नहीं कहा कि ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा, इलिप्स मैंने कहा था जो बड़ा होता है वो ए स्क्वायर होता है, हाइपरबोला में हम ये कहते हैं जो पॉजिटिव होता है। आप देखिए नोट कर लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि जो पॉजिटिव होता है वो ए स्क्वायर होता है, जो नेगेटिव होता है वो बी स्क्वायर। पॉजिटिव इज ए स्क्वायर, नेगेटिव इज बी स्क्वायर, और जो पॉजिटिव है उसी एक्सिस का हाइपरबोला होता है, उसी के नीचे ए स्क्वायर होता है। इसमें ए स्क्वायर छोटा भी हो सकता है बी स्क्वायर से, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा होगा वही ए स्क्वायर होगा, जो पॉजिटिव होगा वो ए स्क्वायर होगा। और अब हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक्सिस की और एबी की। शायद मैंने यही बताया था आप लोगों को एलिप्स में, इलिप्स में भी हमने यही बताया था कि इलिप्स की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक्सिस की और एबी की। हमने पैराबोला में बताया था पैराबोला की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक्सिस की और ए की। सर्कल में हमने बताया था सर्कल की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, सेंटर की और रेडियस की। लाइन के लिए बताया था हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की, या दो पॉइंट्स की, या दोनों इंटरसेप्ट की, या अल्फा और पी की, या बस इतने से काम चल जाता था। बेटा स्क्वायर नेगेटिव नहीं, मैंने कहा था नेगेटिव साइन वाली टर्म जो होती है। एक्चुअली आप देखो यहाँ पे दो तरह की टर्म है, एक माइनस साइन वाली और एक प्लस साइन वाली। तो जो प्लस साइन वाली टर्म होती है वो ही स्क्वायर होता है, माइनस साइन वाली टर्म में भी स्क्वायर होता है, ये हमने कहा था। किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सही बात है। नेगेटिव साइन वाली टर्म में बी स्क्वायर होगा, प्लस साइन वाली टर्म से आपको ए स्क्वायर मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, ये आपने नोट कर ली है तो मैं अब इसे रब करूंगा और हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये देखिए सब हो चुका है, आपका सब बताया जा चुका है। हाँ अपॉन का बी स्क्वायर, बिल्कुल देखिए अपॉन में जो होता है वही बी स्क्वायर। आप ये देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये आपका जो एक्स स्क्वायर के नीचे है वो ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। आपके पास देख रहे हो ए स्क्वायर की वैल्यू कम आई है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ज्यादा आई है, और यहाँ से ए की वैल्यू आपको 3 मिल गई, यहाँ से बी की वैल्यू आपको 4 मिल गई, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आप देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है और ये हो गया ए ई का स्क्वायर, और माइनस का आया 9 जो बन गया 25 और ए ई का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ए ई की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 3 है, तो आप बताइए क्या आपको ई की वैल्यू मिल गई 5/3, और ये 1 से ग्रेटर है, यानी इस कैलकुलेशन में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो मुझे इमीडिएटली अभी बताएं इस कैलकुलेशन में। और ये कौन सी एक्सिस वाला है हाइपरबोला? एक्स एक्सिस वाला है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब ए है बी है और ई है, आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो डायरेक्टली देख लिए थे, ई आपने कैलकुलेट कर लिया, और हम ये भी कह सकते हैं बच्चों जो ए ई आया है
दैट इज ऑल्सो नोन एज सी। आपसे चाहे फोकाई पूछे, वर्टिसेस पूछे, इसेंट्रिसिटी पूछे, किसी में भी कोई दिक्कत होगी आपको? मुझे अभी भी किसी को इश्यू, मुझे इमीडिएटली बताओ बेटा, चैट बॉक्स में कोई भी परेशानी है। ठीक है, अर्जुन, आर्यन, विचित्ता, प्रगति, नव्या, यतिन, कोमल, द्रवित, हुएल्स, हर्षित, काव्य, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो पहले 16 से डिवाइड करा हमने, तो जिसकी वजह से y स्क्वायर अपॉन 16 आया और x स्क्वायर अपॉन 1 आया, इक्वल टू में 1 आया। जो पॉजिटिव होता है, हमने पहले भी बताया है, वो a स्क्वायर होता है। जो नेगेटिव वाले के नीचे लिखा होता है वो b स्क्वायर होता है। तो आप देखिए, a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, बचा सिर्फ e की वैल्यू निकालना, जो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास 1 है, ए का स्क्वायर हम निकालेंगे, ए स्क्वायर हमारे पास 4 है, जिससे कि ए की वैल्यू रूट 5 आ गई। ए की वैल्यू 4 है, तो आप देख सकते हैं e की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, रूट 5 बाई 4। ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 1 है, ए बी आपके पास है। आप मुझे बताएं, किसी में भी आपको ए को निकालने में, बी को निकालने में, सी को निकालने में और ई को निकालने में, चलो चारों बोलते हैं, किसी में कोई इश्यू है या नहीं है बताओ जल्दी से बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में कोई इश्यू है किसी को? जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। विशाल देवल वगैरह भी बता दिया करो, बोला करो भाई। ये सो तो नहीं जाते हो तुम लोग पढ़ते पढ़ते? कभी नींद खींच लेते हो बीच बीच में आराम से? सर आपने ए स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया है, कहाँ पे लिख दिया? अच्छा 16 आना है, यस, तो ये रूट 17 हो जाएगा। कोई बात नहीं, रूट 17 करो, ठीक है। ओके, रूट 17 बाई 4 है ना, तभी तो 1 से ग्रेटर होगा। सत्य वचन, अभी सही कर देते हैं इसको, अभी सही कर देते हैं। नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। हाँ जी, आप एक बार देखिए आराम से, बिल्कुल स्लोली, धीरे धीरे समझिए। फोकाई वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब जो हाइपरबोला बनेगा वो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। आपका स्ट्रेट लाइन का टेस्ट हो चुका है, अब की बार हम आपका हाइपर, इसका कॉनिक सेक्शन का ही टेस्ट होगा आपका। फिर से सैटरडे आपका टेस्ट ही फिक्स है। हाँ जी, आप देखिए वर्टिसेस की बात करेंगे तो 0 प्लस माइनस ए होता है, फोकाई की बात करेंगे तो 0 प्लस माइनस ए ई होता है। तो आप देख सकते हैं कि ए ई की वैल्यू 3 है। लास्ट टेस्ट में देखो, अगर किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप उनकी हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली बता सकते हैं हमारे साथ ये इश्यू है। और
ए के साथ, और री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन उसमें होता है, री अटेम्प्ट आप कर लीजिए कीजिए। और दूसरा, जब आप करते हैं उन क्वेश्चंस को तो आप लोग की कॉल अगर आएगी तो परेशानी बन जाती है, तो कॉल ऐसा करिएगा कि भाई या तो आप फ्लाइट मोड में वाईफाई ऑन करके करा करें, या लैपटॉप पे या पीसी पे करें टेस्ट को, तो आपका सही होगा। अटेम्प्ट सिर्फ एक ही मिलेगा, और अब की बार हम लोग आप लोगों की ईमेल ले लेंगे, आपका एक बैच क्रिएट कर देंगे, उसके बाद बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए ए आ गया है, ए आ गया है, और हमें निकालना है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मुझे ये बताओ, इन कैलकुलेशंस में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत है हम सही करेंगे। 36 माइनस 11 करेंगे तो 25/4 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 11/4, तो ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, दोनों की वैल्यू रख दो तो आपके पास इक्वेशन आ गई। किसी को इसमें परेशानी है तो बताओ मुझे बच्चों, जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास। देखिए, फोकाई आपका वाई एक्सिस पर है, तो आपको पता चल गया कि आपका जो हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, फोकाई क्या चीज होती है, 0 प्लस माइनस 12, तो ये हो गया 0 प्लस माइनस ए। तो आप देखिए, आपको ए मिल गया 12। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई इसको। लेटर सेक्टम हमारे पास होता है 2b² / a, जो 36 दिया हुआ है, 2 से कैंसिल हुआ 18 आ गया। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कई बार कह चुका हूं आपको, तो ये आपके पास 18a आ गया। आपको अगर याद हो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है जी, ए की वैल्यू 12 है तो ये 144 हो गया। ए स्क्वायर हमें पता नहीं है, 18 ए को दूसरी साइड ले आए और इसे थोड़ा माइनस प्लस की मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के देखा हमने, सेटल करा, तो हमें दिखाई दिया कि भाई आपका 144 आ रहा है। तो 144 से 18 आपको लाना है, कैसे ला सकते हो 18 144 से? 16 नाइन जा नहीं चलेंगे, ठीक है, 12 12 जा नहीं चलेंगे, तो किससे आएगा 144? फैक्टर करो, ट्वेंटी फोर और सिक्स बताए हैं श्री यतीन शर्मा जी, आपको बेटा मुबारकबाद, 24 और 6 आ गए हैं। तो यहां से देखिएगा, हमारे फैक्टर बन गए, तो ए की वैल्यू माइनस की तो हो नहीं सकती, इसलिए ए की वैल्यू आ गई 6। ए आपके पास है, ए आपके पास है, और बी स्क्वायर 18 ए के इक्वल है, तो 18 6 जा करने से जो आएगा, बी स्क्वायर भी मिल गया, ए स्क्वायर भी मिल गया, इक्वेशन मिल गई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ जल्दी से बच्चों।
ठीक है जी, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जिसमें भी इश्यू आपको लग रहा है कि आ सकता है, तो वो आप मेरे साथ अब भी शेयर करें, आराम से देखें, रिलैक्स होके बिल्कुल। हाँ जी बताओ बच्चों, देखो आराम से जल्दी से। बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ये वाले। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ओके 5 बता दो। अच्छा 5 में वैसे क्या दिक्कत आई, 36 से डिवाइड कर दो बस। 5 का कोई स्पेशल लॉजिक है कि 5 में कोई दिक्कत नजर आई हो? अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो बच्चों, हाँ ऐसा हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो। अब बताओ बेटा, सक्षम बोलो बेटा। ठीक है डन, तो इसे भी हम सब कर देते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देखिए आराम से बताइए, कोई इश्यू है किसी में तो बताओ जल्दी से मुझे। बताइए भाई जल्दी जल्दी से बोलो, अभी कराए मैंने आपको ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट अप टू 13, 14, 15। हाँ जी 15 क्वेश्चन तक का डाउट बताऊंगा, किसी को कोई आएगा लेकिन अटेम्प्टेड मुझे है ना आप व्हाट्सएप करेंगे, जिसको भी डाउट पूछना है वो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाएगा कि हाँ मुझे इसमें दिक्कत आई है, और मुझे नेक्स्ट वीक उसमें आपको सब शेयर करना है। इलेवेंथ में लॉग एंटी लॉग, मैंने ये कहा है कि जो भी आपको डाउट हो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे उसका अटेम्प्ट शेयर करेंगे कि आपने अटेम्प्ट करा था तो क्या प्रॉब्लम आई। एग्जाम्पल 17 मैंने अभी बोला ही नहीं है करने को, अब टू क्वेश्चन 15 की बात हो रही है बस।
ठीक है, अब 2 क्वेश्चन 15 को आप अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ शेयर करेंगे, लेकिन मुझे आप अपने सारे क्वेश्चंस शेयर करेंगे, आपने क्वेश्चंस करे हैं, मुझे सबके सॉल्यूशन चाहिए आपके, ठीक है।